स्टूडेंट आई एम दिव्या सिन्हा असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी रायपुर डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। मॉर्निंग एवरीवन, जैसे कि हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना बताया था। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेक्शन। टाइप्स ऑफ सेक्शन हम कैसे निकालते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको अगर टाइप्स ऑफ सेक्शन के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप कोई भी डिज़ाइन जो है वो बना नहीं पाओगे, क्योंकि आपको वो चीज़ क्लियर वहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेक्शन। तो टाइप्स ऑफ सेक्शन जो होता है वो थ्री टाइप का होता है। फर्स्ट होता है बैलेंस्ड सेक्शन, सेकेंड होता है अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन और लास्ट होता है ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। अब ये तीनों होते क्या हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट बात करती हूँ बैलेंस्ड सेक्शन का। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रेक्टेंगुलर बीम के बीच का इमेजिनरी लाइन है, ऊपर वाला कंप्रेशन साइड है, नीचे वाला आपका टेंशन साइड है, ठीक है। तो अब इसमें जो आपका मैंने जो मेन मेन चीज़ें जैसे कि बताया था एक्स ए और एक्स सी, ये होता क्या है, ठीक है। एक्स ए है एक्चुअल डेप्थ और एक्स सी है क्रिटिकल डेप्थ, ठीक है। तो अगर कोई वैल्यू, ठीक है, जैसे कि अगर कोई वैल्यू है एक्स ए जो है आपका एक्चुअल डेप्थ है, जिस जितना आपने उसमें लिया हुआ है वैल्यू, ठीक है, अगर उसका वैल्यू जो है एक्स सी के बराबर आता है, मतलब कि जब हम ये जो फॉर्मूला है इसमें जब हम एक्स ए और एक्स सी निकालेंगे तो दोनों का वैल्यू अगर इक्वल आता है तो उसका मतलब है कि वो बैलेंस्ड सेक्शन है, ठीक है। कैसे, जब आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आप लोगों को क्लियर समझ आएगा, ठीक है। उसके अलावा अंडर रेनफोर्स्ड में क्या हो जाता है, एक्स ए का वैल्यू जो है अगर लेस देन है, ठीक है, एक्स सी से, एक्स सी का वैल्यू अगर ज़्यादा है तो वो आपका अंडर का कंडीशन आएगा। ये मैं सभी अभी ऊपर से बता रही हूँ, बाकी इसका मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊँगी। उसके बाद है ओवर रेनफोर्स्ड, ये क्या होता है, ओवर रेनफोर्स्ड में आपका एक्स ए इज़ ग्रेटर देन एक्स सी, तो आपका ये ओवर रेनफोर्स्ड होता है। अब ये होता कैसे है, ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं बैलेंस्ड सेक्शन से हम जाते हैं, उसके बाद हम आगे बताएंगे। तो बैलेंस्ड सेक्शन मतलब कि द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज ओनली टू कंपेयर द एक्स ए वैल्यू। जो भी हम क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे उसको हम सिर्फ कंपेयर करेंगे एक्स ए से, अगर एक्स ए का वैल्यू उससे इक्वल होता है तो वो बैलेंस्ड है, अदरवाइज वो अंडर या ओवर के कंडीशन में आएगा। वो कैसे आएगा, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि अंडर का कंडीशन है, तो अंडर में एक्स ए का वैल्यू क्या रहेगा, लेस देन रहेगा। लेस देन कैसे, जैसे कि इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में ये नीचे वाला जो है वो आपका टेंशन जोन है, ऊपर आपका कंप्रेशन जोन है। अगर एक्स ए लेस देन है, ठीक है, मतलब कि एक्स ए का वैल्यू कम है एक्स सी से, तो एक्स सी आपका ग्रेटर देन हो रहा है, तो एक्स ए का वैल्यू लेस देन, लेस देन मतलब कि कम है, कम है किसे, न्यूट्रल एक्सिस की लाइन से। अगर बीच की लाइन से कोई वैल्यू कम आ रहा है तो कब आएगा, तो वो आपका किस में रहेगा, टेंशन जोन में रहेगा, इस एरिया में रहेगा। अगर ग्रेटर देन है, ज़्यादा है, ओवर हो रहा है, तो ओवर कहाँ जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, तो वो आपका कहाँ जा रहा है, कंप्रेशन जोन में, ठीक है। तो वो इस तरीके से हम इसको डिराइव करेंगे, ठीक है। तो अभी तो मैं बैलेंस्ड सेक्शन के बारे में आप लोगों को बताती हूँ। तो बैलेंस्ड सेक्शन मतलब कि एक्स ए और एक्स सी दोनों इक्वल रहेंगे, तब उस कंडीशन में हम इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि अगर बैलेंस्ड सेक्शन है तो आपका एक्स ए और एक्स सी दोनों बराबर है, तो वहाँ पे ना ही वो कंप्रेशन जोन में आ रहा है, ना ही वो टेंशन जोन में आ रहा है, दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब कि वो दोनों के बीच में है। तो उस केस में आप कंप्रेशन के लिए भी फार्मूला निकालोगे और टेंशन के लिए भी आप फार्मूला निकालोगे, और वो दोनों फार्मूला आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में काउंट होगा। तो जैसे कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए आपका फार्मूला है कंप्रेशन जोन के लिए, कंप्रेशन फोर्स के लिए, कि हाफ इंटू सिग्मा सी बी सी इंटू एक्स ए इंटू बी। हाफ सिग्मा सी बी सी क्या है आपका, जिससे हमको ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट से हम निकाल लेंगे, एक्स ए एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वो तो हम पहले ही निकाल लेंगे, बी आपका विड्थ ऑफ बीम है। टेंशन जोन के लिए जब निकालोगे तो सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी होता है, सिग्मा एस टी मतलब कि जो हम स्टील के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील से हम निकालेंगे वैल्यू, और ए एस टी एरिया ऑफ स्टील जो आप पहले फाइंड आउट कर चुके होंगे। इसके अलावा एक चीज़ बस जो है वो और मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, जब आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालोगे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला है बैलेंस्ड के लिए सी इंटू जेड और टी इंटू जेड। सी मतलब कि कंप्रेशन इंटू लिवर आर्म, और एम आर इज इक्वल टू टी इंटू जेड मतलब कि टेंशन इंटू लिवर आर्म।
तो लिवर आर्म दोनों में मल्टीप्लाई होगा, आपका कंप्रेशन में भी होगा, आपके टेंशन में भी होगा, बस दोनों के लिए फॉर्मूला अलग अलग होगा। तो Z का फॉर्मूला है यहाँ पे डी माइनस एक्स ए बाई थ्री। डी क्या है आपका इफेक्टिव डेप्थ और एक्स ए आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो ये फॉर्मूला आप पुट करोगे तो यहाँ से आप लोगों का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल जाएगा किसके लिए, बैलेंस्ड सेक्शन के लिए। अब हम बात करते हैं अंडर रेनफोर्स्ड का। तो अंडर रेनफोर्स्ड का डायग्राम कुछ इस तरीके से रहेगा जिसमें आपका एक्स ए जो है वो लेस देन है एक्स सी से, ठीक है, लेस देन है मतलब कि कम है, कम है मतलब कि वो क्या रहेगा न्यूट्रल एक्सिस से नीचे आएगा, ठीक है, नीचे आएगा मतलब कि वो टेंशन जोन में आएगा, ठीक है, वहाँ पे टेंशन फेलियर कंडीशन कहलाएगा। तो उस कंडीशन में आपका जो एम आर है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है उसके लिए फॉर्मूला होगा, ठीक है, मैंने क्या बोला अंडर रेनफोर्स्ड है, अंडर है मतलब कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे है, नीचे मतलब कि कौन सा जोन है टेंशन जोन है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकलेगा टी इंटू जेड, याद रखिएगा। ओवर का कंडीशन होता है तो ओवर में आपका न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जा रहा है, ऊपर आपका ओवर कंडीशन आ रहा है तो उस कंडीशन में ऊपर है मतलब कि कंप्रेशन जोन में आएगा जो भी आपका फेलियर कंडीशन रहेगा। तो इसके लिए एम आर का फॉर्मूला हो जाएगा C इंटू जेड मतलब कि कंप्रेशन इंटू लिवर आर्म। तो ये चीज़ बस याद रखिएगा कि अगर अंडर का कंडीशन आता है, अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन है तो एक्स ए लेस देन एक्स सी है, तो उस कंडीशन में आप सीधा देखोगे एक्स ए क्या आ रहा है और एक्स सी क्या आ रहा है, दोनों को कंपेयर करोगे। एक्स ए अगर लेस देन है एक्स सी से तो वो अंडर का कंडीशन है, और अंडर का कंडीशन है तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा आपका टेंशन जोन में आएगा, और टेंशन जोन में आएगा तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा टी इंटू जेड, ठीक है। और टी के लिए तो फार्मूला हम देख चुके हैं पहले ही, और जेड के लिए भी फार्मूला आपको पता है सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स ए बाई थ्री, ये हो जाएगा अंडर के कंडीशन के लिए। ओवर की कंडीशन है तो ओवर में आपका एक्स ए जो है वो ग्रेटर देन रहेगा एक्स सी से, तो आपका ये ओवर का कंडीशन आ रहा है। ओवर के कंडीशन में आपका जो है ओवर है न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर है, तो ऊपर है तो कौन सा जोन है कंप्रेशन जोन है, तो कंप्रेशन जोन के लिए आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सी इंटू जेड, और सी इंटू जेड है तो उसके लिए तो आपने फॉर्मूला देख लिया है, और लिवर आर्म फैक्टर। तो इस तरीके से आप वैल्यू को पुट करोगे और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करोगे। बहुत सिंपल है, बस आप लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से समझिएगा फिर आप लोगों को ये क्लियर समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू।